प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है, हर पार्टी अपने अपने होड़ में लगी हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री होने वाली है, इस पर क्या कुछ कहते हैं वैभव महेश्वरी जी और सजान। थैंक यू और आपके दर्शकों का नमस्कार। तो आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में एंट्री होने वाली है, इस पर क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, इस प्रदेश में मुद्दों की राजनीति करने वालों का बड़ा काम है। कोई भी पार्टी जो है वो ये बात नहीं कर रही है कि इस प्रदेश के लोगों की जरूरतें क्या है। यहाँ पर शिक्षा के ढांचे में सुधार की जरूरत है, यहाँ पर अस्पतालों में सुधार की जरूरत है, यहाँ पर बेरोजगारी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यहाँ की कानून व्यवस्था बड़ी चिंताजनक हालत में है। इनकी बात कोई कर नहीं रहा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सार्वजनिक परिवहन, मतलब आप कह सकते हैं कि सारा ढांचा कोलैप्स कर चुका है, लेकिन इनकी कोई बात नहीं करने को तैयार है। आज बीजेपी फिर से एक मंदिर मुद्दे को लेकर लड़ना चाहती है चुनाव, तो दूसरी पार्टियां अपनी अपनी जातियों के जो बेस है उसके आधार पर वो कॉन्फिडेंट है। जैसे आपने बोला कि बीजेपी अपने अपने मुद्दे पे सब अपने मुद्दे पे राम मंदिर की बात की आपने, तो अभी बीजेपी ने जो सीएम योगी ने ऐलान किया है कि वो नौकरियां प्रदान करेंगे प्रदेश में। देखिए, नौकरियां अगर देनी होती तो पिछले चार साल में होते थे, सरकार कोई आज तो बनी नहीं है। अब तो सरकार जाने के टाइम पर वो कह रहे हैं कि नौकरियां देंगे, तो सरकार जाने के टाइम पर क्या दोगे? अब तो आपने यूपी के लोगों को बेरोजगार रखा चार साल, अब अगले साल तो यूपी के लोग आपको बेरोजगार करने वाले हैं, तो इस समय पर ये झूठे दावे करने से कोई फायदा नहीं है। प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति रही उसके बाद जो सुधार आया जो भी था उस पर आपने? देखिए, हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग के उन्होंने बिना साफ सफाई का दम तोड़ा, लेकिन याद ये रखा जाएगा कि वहाँ की सरकारों ने अपने देश के लोगों के लिए क्या किया। यूपी में हमने देखा कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तो उनके ऊपर उठाए एफ आई आर कराई गई, मुकदमे कराए गए, और यहाँ पर ये भी देखा गया कि लगातार सरकार की तरफ से झूठी ब्रीफिंग की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री को छुट्टी ब्रीफिंग करते थे, कहते थे कि ना दवा की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ये हम सब ने देखा। और इसीलिए आम आदमी पार्टी की कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर बात जिसको लेकर? देखिए, यूपी में बहुत संभावनाएं हैं, यूपी बहुत ही पॉसिबिलिटी वाला प्रदेश है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में मोहल्ला क्लिनिक, गाँव के क्लिनिक, यहाँ के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एकदम जिले लेवल पे, विधानसभा लेवल पे होने चाहिए जो कि नहीं है। यहाँ पर लाखों स्कूल होने चाहिए बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, जैसे दिल्ली में हमने बना के दिए। और जो लोग ये कहते हैं कि इसको करने के लिए यहाँ पैसा नहीं है, तो उनको तो सरकार झूठ बोल रही है। यहाँ का जो साधन है ना, यहाँ का जो टैक्स कलेक्शन है, यहाँ का जो बजट है, वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा है। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की वजह से हो नहीं पाता। तो अगर आप यहाँ पर चुनाव जैसे 2022 में हम बात करें तो कितनी सीटों के आसपास सीटों लड़ने वाली तो यूपी में 403 सीटें हैं, और मुझे लगता है कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अगर आप सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपको जल्द भी नहीं कह रहा है, हमको हर सीटों से बड़ा ही अच्छे रुझान आ रहे हैं, लोग हैं आवेदन कर रहे हैं सर्टिफिकेट्स के लिए। और आम आदमी पार्टी का सिस्टम है कि यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल या कास्ट बेस्ड या कैरेक्टर से रिलेटेड उसके ऊपर सवाल है, तो अपनी अपनी कास्ट की बात करें तो आप अपनी जो 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, हर पार्टी कोई ना कोई जाति को लेकर चल रही है, आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी का भी ये लक्ष्य है कि कोई जाति के साथ किसी जाति को लेकर चल रही है उसको बना रहे हैं? नहीं, हम लोग बिजली के बिलों को लेकर चलेंगे, वो हर जाति के बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं। हम लोग स्कूलों को लेकर चल रहे हैं, हर जाति के लोगों को प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ रही है, और हर जाति के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हम लोग अस्पतालों को लेकर चलेंगे, हर जाति के लोगों को इलाज की जरूरत होती है, और अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज ये सरकार का देने का फर्ज है, और ये हमारा देने का संकल्प है, हम इन सबको लेकर चलेंगे। हर जाति के लिए यही जरूरतें हैं और यही मूल बात है, बाकी हम जाति के लिए कुछ रखा नहीं है। जी, हाल ही में संजय सिंह जी, अखिलेश यादव और हमें उसकी पार्टियों से मिले, तो क्या इसलिए सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है कि गठबंधन के रूप में आम आदमी पार्टी?
मुलाकात का तो कोई खास मतलब नहीं है, लोगों को मिलना भी चाहिए, आपस में संवाद होते रहना चाहिए अलग अलग पार्टियों के बीच में, इससे राजनीति में कंपटीशन आता है और स्वस्थ कंपटीशन अगर हो जिसकी वजह से पार्टियां एक दूसरे को देखकर अपने मुद्दों में बदलाव लाए, जनता के प्रति लोग होते हैं चीज दिलवाए। लेकिन सबसे अलग पार्टी बीजेपी है जो कि कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, लोगों को हिंदू मुसलमान को लड़ा के कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, इनका सत्ता से बाहर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर लगता है कि कोई ऐसी पार्टी जो कि कम्युनल बेस पर ही कम्युनल कार्ड खेल के वापस पावर में आ जाएगी तो उसके खिलाफ अगर वोट कट रहे हैं तो उनको रोका जाना चाहिए, अगर ऐसी कोई संभावना बनी कम्युनल पार्टी जरूर उस पर काम करेगी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्यार मिला और दिल्ली में पहली बार ऐसी कैंपेनिंग की गई जिसमें हमने खुल के कहा कि अगर हमने काम किया हो तो वोट देना, अगर काम ना किया हो तो वोट मत देना। ऐसा तो कभी किसी प्रदेश में किसी भी चुनाव में नेता ने ये कहने की हिम्मत ही नहीं करी, तो पता होता है कि हम तो किया नहीं होता है पब्लिक वोट नहीं देते, हमने कहा और 62% हमारा से जनता ने की। तो यूपी में आने का मकसद ये है कि दिल्ली में लगभग 30% आबादी उत्तर प्रदेश के मूल है, उसके रिश्तेदार या उनके परिवार के लोग दिल्ली में रहते हैं, वो लोग अपने घर फोन करके बताया करते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से बिजली के बिल नहीं आते हैं, हमारे पानी के बिल नहीं आते हैं, हमारे यहाँ इलाज हमारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा माहौल है। तो इस की चर्चा ऑलरेडी यूपी के घर घर के अंदर है, तो अब इस चर्चा के बेस पर लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और उस पसंद को अपना आधार बनाकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं, यूपी में थोड़ी सी चीजें देना चाहते हैं। आप सबको भी, मुझे लगता है पत्रकारों के ऊपर भी इस सरकार के अंदर इतने ज्यादा मुकदमे हुए हैं, जब जब आप लोगों ने सच दिखाने की कोशिश करी है, आप लोगों के मुकदमे किए गए हैं, इनकम टैक्स की रेट मारी जा रही है चैनलों के ऊपर, तो ये सब माहौल बदलना चाहिए, पत्रकारों को स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहिए। आपके चैनल और आपके दर्शकों की मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।